मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे सामाजिक संगठन नारी सशक्तिकरण संघ ने एक नई शुरुआत की है। रविवार को भोपाल के रातीबड़े इलाके में नारी सशक्तिकरण संघ ने अपने पहले रोजगार और प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा सिंह परमार ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 5 सालों से लगातार महिलाओं के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। पूजा ने कहा, आज नारी सशक्तिकरण संघ के पहले रोजगार प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हो रही है। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षित होकर खुद का रोजगार शुरू करें, जिससे कि वह सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकें। पूजा सिंह परमार ने बताया कि उनकी संस्था किसी शासकीय सहायता के बिना लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है और हमारा मकसद है कि समाज की एक एक महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया करा सकें। के लिए महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ विगत 5 सालों से, और महिलाओं का रोजगार के लिए कोशिश प्रयास जारी है और पिछले 5 सालों से यही कोशिश कर रही हूँ। आज अपने मकसद में थोड़ी कामयाब नज़र आ रही हूँ और इसी के साथ खोला है कि यहाँ पे जितनी भी बेरोजगार महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए कार्य करना है और उसी के लिए मैं तत्पर हूँ और जीवन पर्यंत समर्पित हूँ महिलाओं के लिए। यहाँ पर अभी हम लोगों की सोच ये है कि जो वर्क ऑर्डर वगैरह स्कूल वगैरह से आते हैं उन लोगों के वहाँ से वर्क ऑर्डर लेकर आएँ और फिर यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के बाद जो बिल्कुल अच्छे से सीख जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, उसके बाद उनको वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा जो बिल्कुल कन्फर्म अच्छे से हो जाएगी परफेक्ट उनको। अभी तो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है ना, तो अभी तो मैं ऐसा फाइनल कुछ बता नहीं सकती हूँ कितने क्या लोग हैं, मगर हाँ यहाँ से 20-25 महिलाओं को प्रशिक्षण देके अगर उसमें से 100 में से अगर 5 महिलाएं भी रोजगार प्राप्त करती तो मेरा मिशन सफल है। यहाँ पे अभी 8-10 मशीनें हैं, अभी और भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे और भी मशीनें धीरे धीरे करके हम लोग पूरा यहाँ पे अच्छा सेटअप जमाएं। और मशीनों के अलावा यहाँ पे अभी जो पेटीकोट ब्लाउज वगैरह जो भी होते हैं, स्कूल की ड्रेसेस सिंपल वाली जो होती है, एप्रॉन वगैरह आते हैं, वो लोग भी हम यहाँ पे लेकर आएंगे वर्क ऑर्डर। और धीरे धीरे हर गांव की महिलाओं को रोजगार देने के लिए मैं तत्पर हूँ, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर फैक्ट्री में आएंगे तो ही, हर गांव में जाके जितने जितने थोक पे हम लोग ला सकते हैं मटेरियल वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ से भी आ सके।